तो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है मेरे चैनल इसके बारे में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक शुगर केन फार्म, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग बना सकते हो इजी बट वर्किंग शुगर केन फार्म। तो भाई चलो वीडियो को शुरू करते। तो मैंने तो ये सब चीज़ें ले ली है, कोबल स्टोन, ग्लास, पिस्टन, ऑब्जर्वर, स्टोन डस्ट, हॉपर, वाटर पैकेट, चेस्ट एंड थोड़े शुगर केन्स चाहिए। तो भाई हम 3 दिन के बनाएंगे, ठीक है, 3 दिन के। तो ये रहे 3, यहाँ पे 3 डाल रहा है, ठीक है, गैप रहना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे गैप में बनेगा, ठीक है, ऐसे। अभी देखो ये पे हो गए शुगर कैन। पानी हमें नीचे डालना है, ठीक है, रुको। ये ले लेते हैं। तो हमने सभी साइड में डाल दिया है पानी। तो अभी क्या करना है देखो, बीच में एक प्लेस मिलेगा हमें, ये रहा वो प्लेस। तो देखो आप लोगों को इसको इस तरह से खींचना है, ठीक है, मतलब जितना ऊपर आप बनाओगे। पहले मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, एक चलो पिस्टन को यहाँ पर डालते हैं, ये पिस्टन हमें डाल दी है। तो अभी आप कोबल स्टोन्स देंगे यहाँ पर, चलो अभी हमें यहाँ पर ऑब्जर्वर्स डालने हैं, ठीक है, इस तरह से ये जो लाल डॉट है ये पीछे की तरफ होना चाहिए। तो हम ऐसे हर एक में कर देंगे, चलो। और ये पत्थर गैप हो गया भाई, ऐसे गैप्स को फिल कर देंगे हम। तो अभी क्या करना है, हमें से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे रेड स्टोन से, ठीक है, चलो ये अपन करते हैं कनेक्ट। ये हो गया सब कनेक्ट, ठीक है। तो भाई देखो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें यहाँ पर खोदना है, ठीक है। बीच में ये मैंने करने को इसलिए बोला है, मतलब ये जो स्टैंड, मतलब ये जो खम्बा का जैसा, क्योंकि भाई यहाँ पर शुगर केन्स गिरेंगे तो यहाँ पर अटक जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्या है। तो अभी हमें बेटा बनाना है कि कलेक्टिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें नीचे आना होगा, चलो किसी भी एक साइड में नीचे गिर, वो ये बताओ बेड रॉक है भाई, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चलो एक आने जाने का रास्ता बन गया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, अभी मतलब ऐसे। अब इन सबको हमें जोड़ना होगा ऐसे करके, ध्यान रखना कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। अभी हमें शुगर केन्स यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और अभी हमें इसको डेकोरेट करना है। आप लोग जैसे वैसे डेकोरेट कर सकते हो, आप लोग पहले तो यहाँ पर ग्लास दे देना ताकि आप लोगों को दिखे ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तब इसके बाद आप जैसे भी चाहो वैसे डेकोरेट कर सकते हो, और ऐसे आप लोग को ऊपर ऊपर तक बनाना जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बना के दिखाता हूँ।
हाँ भाई, सबसे बड़ा सवाल हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि आप लोग पानी कैसे डालोगे, है ना। तो आप लोगों को पहले से एक साइड में कॉबल स्टोन्स लगा देना है, फिर यहाँ पर आप लोगों को डर्ट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्व के सिर पे नहीं, यहाँ पर उसके ऊपर। फिर आप लोग क्या करना है, इस बारिश ब्लॉक्स को तोड़ देना है। फिर आप लोग को कॉबल स्टोन से फिर इसको कवर कर देना है ऐसे। तो अभी आप लोग यहाँ पर पानी तो डाल सकते हो, और यहाँ पर शुगर केन्स भी लगा सकते हो। तो भाई ऐसे करके आप लोग अच्छा करना होगा हमने, ठीक है। तो भाई देखो, ये तो हो चुका है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर वाला लेयर बनाएंगे, मतलब अभी हम लोग देंगे कॉबल स्टोन, ठीक है। मतलब पहले तो इसको ढकते हैं, इनको ढकने के बाद इनके ऊपर देंगे हम पिस्टन्स, यहाँ पर तीन, और उनके ऊपर ऑब्जर्वर्स, फिर से पीछे आके ऐसे, फिर से इनको ऐसे कर देंगे और फिर से जोड़ देंगे ऐसे। हम लोग सब मतलब हर एक को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो भाई ये भी बन चुका है, तो हम इसको ऊपर तक खींच देंगे। ताकि हमें एक वो कम लगे, तो ये दिखने में अच्छा ही है, बुरा नहीं है। तो इसको रख देते हैं यार। तो अभी दूसरा लेयर करते हैं, मतलब दूसरी लेयर। चलो भाई, तो भाई देखो, मैंने ज़्यादा लेयर्स तो नहीं बनाए हैं, मैंने सिर्फ तीन लेयर्स ही बनाए हैं। तो मैं सिर्फ आप लोग को दिखाना चाहता था, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर भी जितना चाहो, आप लोग आपके पास जितना सारा चीज़ है तो आप लोग उनसे बना सकते हो। तो भाई देखो, आप लोग बीच बीच में ग्लो स्टोन्स दे सकते हो, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और अंदर कोई मॉब्स भी न स्पॉन हो, समझ गए। तो आप लोग को हर एक पार्ट में बीच बीच में ऐसे ग्लो स्टोन्स डाल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो ऐसे। अगर आप ऊपर डेकोरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो ग्लो स्टोन से भी, ताकि ऊपर भी मॉब स्पॉन ना हो, ठीक है। तो देखो, तो हमारा जो फार्म है कुछ इस तरह का दिखेगा। जो भी मेरे चैनल में नए हो ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और कमेंट ज़रूर से करना भाई कि आप लोग को ये कैसा लगा, और अगर आप लोग को और कौन कौन से फार्म्स चाहिए वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।